पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री के रूप में कवर्धा विधायक विजय शर्मा और लोरमी विधायक अरुण साव के शपथ पर सवाल उठाते हुए कहा है कि असंवैधानिक प्रावधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है। उन्होंने कहा है कि असंवैधानिक प्रावधान यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा, परंतु किसी भी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होती। संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी शपथ विधि के दृष्टि से शून्य है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से जो डिप्टी सीएम के दो लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जबकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि संविधान की किताबों में शपथ का प्रारूप देखेंगे उसमें भी मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी मंत्री शब्द का उपयोग किया गया है। टी एस सिंहदेव साहब को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम पद का उन्होंने शपथ नहीं लिया, वो मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और जब तक मंत्री के रूप में शपथ नहीं होगा, इन दोनों के जो डिप्टी सीएम हैं इनके द्वारा किया गया हर कार्य औचित्यहीन कहलाएगा।